आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज प्यारे बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। आज एक हम मोरल स्टोरी पढ़ेंगे, प्रेरणादायक स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की उन्नति मिले। हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मोरल स्टोरी होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, यानी हमें और अच्छा बनाते हैं, बेस्ट वर्जन हमारा सेल्फ बनाते हैं। तो चलिए आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए अब इसका हम शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी का नाम है, छोटा सा स्टोरी, इसका नाम है दो बिल्लियाँ। तो बहुत समय पहले की बात है, दो बिल्लियाँ बहुत ही अच्छी मित्र थी। तो वे दोनों एक बार गुजर रहे थे, तो उन्हें एक ब्रेड मिला, एक बड़ा सा रोटी मिला। तो उन दोनों ने सोचा, चलो आज तो हम लोगों के भोजन के लिए हमें तो खाना मिल गया है। तो फिर दोनों ने किया कि चलो इस रोटी को हम लोग क्या करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब कि आपको, तुम्हें भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, ऐसे हम लोग बराबर भागों में बांटेंगे। तो बिल्लिया ने क्या किया, एक जो पीस था वो एक बड़ा पीस था और एक जो पीस था वो था छोटा पीस था। तो बिल्लियां लड़ रही थी कि एक बिल्ली बोल रही थी मैं बड़ा पीस लूंगी और एक बिल्ली बोल रही थी मैं बड़ा पीस लूंगी। फिर से ये चलता रहा, एक बिल्ली बोले मैं लूंगी, फिर बिल्ली बोली मैं लूंगी, फिर बोली मैं लूंगी, फिर ये चलते रहा है। अब क्या होता है, अब एक बंदर की नजर पड़ी। किसकी नजर पड़ी, बंदर की। तो बंदर उन दोनों के झगड़े को देख रहा था। तब उसके पास गया तो उसने कहा, बिल्ली आप लोग क्यों लड़ रहे बिल्लियाँ? तो बिल्लिया ने बताया कि देखो ना, ये मेरा बड़ा पीस मेरा है, ये ले रही। फिर वो बिल्ली बोली मेरा बड़ा पीस मेरा है, फिर ये ले रही है। तो उसने कहा कि चलो अब मैं समस्या का हल कर देता हूँ, तुम दोनों साइड थोड़ा हटो, मैं तुम दोनों को बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक तराजू, हम समझ जाते एक तराजू मान लेते ये तराजू। तो उसने तराजू के माध्यम से बांटने की कोशिश की, लेकिन वो क्या करता गया, वो जैसे कि यहाँ पे एक रोटी है, उसने आधा पीस रखा, यहाँ पे एक उसका बटखारा उसने यहाँ पे रखा। तो अब वो क्या कर रहा है कि जैसे उसको रख रहा है, उसको भर रख रहा है, तो ये थोड़ा भारी जो वो खा ले रहा है, फिर खाता चला जा रहा है। ऐसे करते 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 उसने पूरे इस रोटी को, दोनों पीस को उसने कंप्लीट कर। तो उस बंदर ने इस दोनों पीस को उसने खाकर वो कंप्लीट करके चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, तो जैसे उसने इस पीस को उसने कंप्लीट कर लिया तो वो चला गया अपना, और दोनों बिल्लियां पछताने लगी, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। मतलब हम इस कहानी से हमें यह समझ में आया, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेविंग करना। मतलब कि हमेशा हमें कोई भी चीज़ को बांट कर देना चाहिए, अगर वो फूड भी, खाना भी हो सकता, कुछ भी। अगर हम जितना, अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच अगर ये समझौता हो जाता सही से, तो ये ऐसा होता ही नहीं, दोनों को मिलता। लेकिन दोनों के बीच शेयरिंग का पावर नहीं था, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ उसने बांटा नहीं, इसीलिए ये सारा जो है वो सारा बंदर लेके चला गया। तो इस कहानी से हमें ये समझ में पता चलता है कि हमें जरूर से जरूर शेयरिंग करना चाहिए। तो आप सभी ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।